हेलो भाई, कैसे हो आप सब। आज हम फिर जाने वाले हैं लाल दवाई खाना। जो जो मेरा टीवी का जो कोर्स था, मतलब जो टीवी हुआ था उसका कोर्स था, जो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनल 2-3-4 टेस्ट हो चुके, जो कंप्लीट हो चुके, जो इसमें नॉर्मल था। तो आज हम मतलब जो इधर का चेक कराने जा रहे हैं, यहाँ पे जो पानी भरा था ना फेफड़े के अंदर, वो चेक कराने जा रहे हैं कंप्लीट ठीक हुआ कि नहीं। तो मिलते हैं गाइस आगे। पहुंच चुके हैं यहाँ पे लाल दवाई खाना। अब यहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे। ओके गाइस, अब निकालने वाले केस रिपोर्ट। ये रहा केस रिपोर्ट। उसके बाद चेकअप करा के एक्सरे निकालना पड़ेगा, उसके बाद सोनोग्राफी निकाल दिया गाइस। उसके बाद तो गाइस अभी हमें एक्सरे भूल चुके थे, फिर जाना पड़ा रूम पे, फिर जा रहे हैं अभी गाइस। रिपोर्ट एक्सरे जो भूल गया था वहाँ जाके चेक कराया, फिर उन्होंने 2 महीने का और बोला, 2 महीने और खाओ दवाई। ये गाइस ये वाली दवाई फिर से खानी पड़ेगी 2 महीने और, फिर उसके बाद रिपोर्ट कैसा आता है। अभी तो फिलहाल ज़्यादा हुआ ही नहीं, सोनोग्राफी हुआ और एक्सरे हुआ, फिलहाल नॉर्मल ही है। पर ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं, बस थोड़ा बहुत ठीक है तबीयत अभी। 2 महीने खा के देखते क्या होता है। और टीबी का रिपोर्ट कैसा आता है 2 महीने बाद, ऐसा तो पहले ऐसा नहीं है। शुरू में था ना उल्टी आना, पता है, और चैन से सोना पाना, बार बार बुखार आना, ऐसा होता था। पर अब ऐसा नहीं होता है। 1 महीने जैसे कि 1 महीने बाद जैसे खाना स्टार्ट किया ना, तो 1 महीने में हो गया था कम, तो 6 महीने में बहुत आराम हुआ। और 2 महीने देखते हैं अब क्या होता है। रिपोर्ट 2 महीने का टाइम दे रखा है, 2 महीने के बाद जाएंगे गाइस। तो फिर मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए।